हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? मैं हूँ माही और स्वागत करती हूँ मेरे चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी ऑफ माही में। आज मैं आप लोगों के साथ रेनी की 5-in-1 लिपस्टिक का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, ये देखिए रेनी 5-in-1, फैब 5-in-1। और ये लिपस्टिक ने आके ना भाई बहुत सारी लिपस्टिक की बैंड बजा दी है, क्योंकि पहले क्या होता था, हम कितने सारे शेड्स पर्स में लेके घूमते थे, अभी ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी एक ही लिपस्टिक में आपको इतने सारे शेड्स मिल जाते हैं, 5 शेड मिल जाते हैं, और इसकी ना बहुत सारे लोगों ने कॉपी भी की है। लेकिन इसकी बात भाई कुछ अलग ही है। मैंने इसकी ड्यूप लिपस्टिक भी एक खरीदी है मेरे पास। अगर आपको चाहिए कंपैरिजन वीडियो तो मुझे बताना, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। इसमें ऐसा क्या खास है जो मैं आपको बोल रही हूँ भाई, इसकी बात ही अलग है, बताऊँगी। पहले आपको इसकी डिटेल्स बता देती हूँ। पैकिंग आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है, कितनी क्यूट है, और पैकिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके ऊपर एक कवर आता है अलग से, जो मेरे पास नहीं है, मैंने फेंक दिया है। और इसकी प्राइस है 750 रुपीज़, 750 रुपये। और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 7.5 ग्राम। नॉर्मली लिपस्टिक की जो क्वांटिटी आती है वो 4 ग्राम आती है, इसकी 7.5 ग्राम है। एंड इसमें 5 शेड आपको अलग अलग मिलते हैं। इसमें आपको रेड मिलता है, मैरून मिलता है, पिंक मिलता है, एंड बर्नट ऑरेंज मिलता है, प्लम मिलता है। इसके अलावा इसमें और भी शेड्स अवेलेबल हैं। मैंने इसको मिंत्रा से परचेज़ किया था। आप इसको अमेजोन, मिंत्रा, नायका, पर्पल, कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। रनी की लिपस्टिक हर जगह अवेलेबल है। एंड बात करूँ इसकी पैकिंग की, तो जो इसकी ड्यूप आई थी ना, उसकी ये कैप बड़ी गंदी थी, लेकिन इसकी बड़ी अच्छी है। और आप एक के बाद निकाल करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ से पुश करना है, निकालना है, नीचे डालना है। मैं आपको दिखाती हूँ, पहले मैं आपको इसका कलर दिखा देती हूँ। इसका पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है गाइस, ये देखिए इसका फर्स्ट कलर। और ये क्रीमी टेक्सचर में है, फिनिश इसकी मैट है, आप देख सकते हैं। मैंने इसी की लिपस्टिक यही वाला शेड लगाया हुआ है अभी। एक्चुअली इसकी 2 शेड्स मिक्स किए हैं मैंने। एंड ये है इसका सेकेंड कलर, ये देखिए क्रीमी टेक्सचर में है, एंड फिनिशिंग इसकी मैट है, पर ये ट्रांसफ़र होती है। आप कोई भी बुलेट लिपस्टिक परचेज़ करेंगे वो ट्रांसफ़र होती ही है। ये है इसका थर्ड शेड, एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फोर्थ शेड। अगर आप ऑफिस जाते हैं ना, तो ऐसी कोई चीज़ आपके पास हो वो बड़ी काम आती है। ऑफिस गर्ल्स के लिए बड़ा अच्छा रहता है। आपको ढेर सारे कलर्स नहीं कर सकते, आप लेके बैग में नहीं घूम सकते हो। ये है इसके 5 शेड्स, और आप देख ही सकते हो कितने खूबसूरत शेड्स हैं। ये सारे शेड्स हमारे पास अक्सर होते हैं, हर मतलब ये सारे शेड्स किसी न किसी लिपस्टिक में हमारे पास होते ही हैं। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। इसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। क्वालिटी इसकी अच्छी है, ट्रैवल फ्रेंडली है, पैकिंग इसकी बहुत अच्छी है। आप बैग में डाल दो, इजिली टूटने फूटने या खुलने वाली नहीं है, ठीक है। लाइट वेटेड है, क्रीमी टेक्सचर है, ऑफकोर्स बुलेट लिपस्टिक है, ट्रांसफ़र होगी, लेकिन फिर भी आप 4 से 5 घंटे इसको यूज़ करके आराम से निकाल सकते हो, एंड उसके बाद आप चाहो तो टचअप कर सकते हो। मुझे पर्सनली ये लिपस्टिक बहुत अच्छी लगी है। जैसे कि इसके शेड्स इतने प्यारे हैं, वैसे ही लिपस्टिक की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इसमें सल्फेट नहीं है, इसमें पैराबिन नहीं है, और ये 100% क्रुएल्टी फ्री है। पिगमेंटेशन अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, हर तरीके से अच्छी है यार। आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। एंड यस, मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ इसको। मुझे तो इसी लिपस्टिक के शेड इतने प्यारे लगे हैं, तो मैं तो चाहूँगी इसके बाकी सारे शेड्स भी परचेज़ करूँ। एंड यस, अगर आप सोच रहे हो इसको परचेज़ करने का, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। एंड मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।